सुबह करीब 7:30 बजे लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू के स्टोर रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया, मरीजों को परेशानी होना शुरू हो गई और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग में धुआं भरने के बाद चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में कर्मचारियों ने शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। धुएं की वजह से 2 बुजुर्ग मरीजों की मौत हो गई। मरीजों को हृदय रोग संस्थान की नई ओपीडी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। गंभीर मरीजों को हैलट अस्पताल के वार्ड 3 में शिफ्ट कराया गया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आरबी कमल ने मौत की पुष्टि की है। उधर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आग लगने की दुर्घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन से सभी घायलों को समुचित इलाज कराने और इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुझे बताया गया कि वो मेडिकल इशू है, बट मैं इस पर कॉन्फिडेंस से बोलूंगा पूरी जांच के बाद में। फायर क्यों हुई, फायर सेफ्टी के प्रबंध क्या थे, जाहिर बात है सवाल आएगा, लेकिन ये अभी समय फर्स्ट रिस्पांस देने का, जो कि हमारे फायर के सभी साथियों ने बहुत अच्छे से दी है, और इसके बारे में भी गहराई से जाँच हम करेंगे। इसके प्रिवेंटिव अरेंजमेंट्स, रोकथाम के उपाय सरकारी अस्पताल में, कोविड हॉस्पिटल में, प्राइवेट में क्या होने चाहिए, इसके ऊपर बहुत गंभीरता से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो स्टैंडर्ड्स इसके स्थापित किए गए हैं उनके मुताबिक इसमें कार्रवाई करेंगे। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।